31 मई 2022 नवग्रह शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पास एक पत्र आया। वह महिला भी उस कथा में आई थी। महिला ने गुरुजी से पूछा, मेरा बेटा 2 साल से कोमा में है, उसको ठीक करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर गुरुजी ने 5 बेलपत्र वाला उपाय बताया। अब इस उपाय को आप ध्यान से सुन लीजिए। यह उपाय आप किसी भी प्रकार की बीमारी, छोटी हो या बड़ी, किसी भी सदस्य के लिए, आपके घर का कोई भी सदस्य हो उसके लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको जो व्यक्ति या फिर बच्चा या फिर घर का जो भी सदस्य बीमार है, रोगी है, उसका नाम लेकर, गोत्र का नाम लेकर शिवलिंग पर 5 बेलपत्र को अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 2 कलश लेना है। एक स्टील का कलश या गिलास ले लीजिए जिसमें आपको दूध ले लेना है, और एक और तांबे या स्टील का कलश ले लीजिए। आप चाहो तो तांबे का भी ले सकते हो, चाहे तो स्टील का भी ले सकते हो, जिसमें आपको पानी भर लेना है। अब एक हाथ में आप दूध और दूसरे हाथ में जल वाला कलश पकड़ लें। दोनों को एक साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहिए। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार या प्रदोष के दिन कर सकते हैं।